तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके विंडोज 11 का जो विंडोज सिक्योरिटी है, कितने लोग उसे विंडोज डिफेंडर भी कहते हैं, तो जो विंडोज सिक्योरिटी है अगर वो ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या आपका सिस्टम स्कैन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल विंडोज 11 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप अगर अपने विंडोज सिक्योरिटी को यहाँ पे ओपन करना चाह रहे थे, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको विंडोज सिक्योरिटी दिख रहा होगा और आप इसे ओपन करना चाह रहे हो, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो और ये बाय द वे मान के चलिए कि आपका ये ओपन नहीं हो रहा है। जैसे मेरे यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये ओपन हो रहा है, अगर बाय द वे आपका ये ओपन नहीं हो रहा है या आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो एक दो सेकंड के लिए आपका ओपन होता है, फिर ऑटोमेटिकली आपका ये इस तरह से क्लोज हो जाता है। अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आपका बाय द वे जैसे ओपन हो रहा है या आप स्कैन करना चाह रहे हो तो आपका स्कैन नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे आप जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे स्कैन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपका जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो स्कैन नहीं हो रहा है। तो आप इस कंडीशन में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपका जो विंडो सिक्योरिटी है ओपन नहीं हो रहा है या आपका बाय द वे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 4 to 5 एटलीस्ट मैं आपको प्रोसेसेस बताऊंगा, और मैं जितना भी जानता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस बताऊंगा, अगर बाय द वे आपका फर्स्ट प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पे सेकंड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, अगर सेकंड प्रोसेस से अगर आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वहां पे थर्ड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे किसी ना किसी एक प्रोसेस से आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस जैसे मैं यहां पे आपको सबसे पहला प्रोसेस बताता हूं कि सबसे पहला प्रोसेस आपको करना क्या है। आपको पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आ जाना है। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद और आप यहां पे देखोगे यहां पे आपको पावर का बटन आपको यहां पे शो होगा, तो आपको यहां पे करना क्या है कि आपको यहां पे अपने विंडोज को एक बार तो सबसे पहले रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करके चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो ओपन हो रहा है कि नहीं या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी क्या होता है कि विंडोज को रीस्टार्ट करने से भी जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको इस फर्स्ट प्रोसेस को सबसे पहले तो अप्लाई करना है। अगर बाय द वे इस फर्स्ट प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहां पे आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूं कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद और आप यहां पे देखोगे यहां पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ऐप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। इस ऐप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऐप को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडो सिक्योरिटी का जो ऐप है उसे, और आप यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको विंडो सिक्योरिटी का आपको ऐप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे राइट साइड की और आपके यहाँ पे 3 डॉट का आपके यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडो सिक्योरिटी का जो परमिशन है वो यहाँ पे टर्न ऑन है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप परमिशन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि अगर बाय द वे अगर आपका यहाँ पे कोई अनदर कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्टेड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे अगर नेवर का यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे पावर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन पे यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है या आपको यहाँ पे ऑलवेज वाले ऑप्शन में चेक मार्क कर लेना है, मतलब दोनों में से किसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद अब आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब आपको एक बार अपने विंडोज को फिर से रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं या मैंने वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे सेकंड प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। विंडोज़ के सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे वापस से ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ, ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे वापस से इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले ऑप्शन में भी चला जाता हूँ। इस ऑप्शन में आने के बाद और आपको यहाँ पे वापस से विंडो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन था उसका मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे वापस से चला जाता हूँ। जैसे मैं इस पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे मैं एडवांस ऑप्शन में आ गया हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड किया स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिपेयर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज सिक्योरिटी को एक बार रिपेयर कर लेना है। रिपेयर करने के बाद आपको फिर से अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, यानी वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे उसके बावजूद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे ही आपको रीसेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपका विंडोज सिक्योरिटी का जो रीसेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, मतलब उसे रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज पे एक बार फिर से आपको रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना है कि नहीं। अगर बाय द वे इन दोनों ऑप्शन को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना है कि आपको अपने विंडोज के सेटिंग को वापस से ओपन कर लेना है। विंडोज के सेटिंग को ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेटिंग का आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन में जाता हूँ, इस ऑप्शन में आने के बाद और आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अदर ट्रबल शूट्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद और आपको इसे डाउनलोड किया स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज स्टोर एप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसके राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस रन पे क्लिक कर अपने विंडोज सिक्योरिटी को आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। और ट्रबल शूट करने के बावजूद भी अगर बाय द वे मान के चाहिए अगर ट्रबल शूट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में करना ये है कि आपको वापस से अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, विंडोज के सेटिंग्स को। विंडोज को सेटिंग को ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज अपडेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स का आपके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर अपने विंडोज को अपडेट करना है। और जो ये है प्रोसेस जो है अपडेट का जो प्रोसेस है और अपडेट होने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और बाय द वे मान के चलिए इन केस अगर अपडेट होने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है या आपका ऑलरेडी अप टू डेट है और तब भी आपका ये जो प्रॉब्लम है विंडो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सिक्स नंबर प्रोसेस भी बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले बोला था कि मैं आपको यहाँ पे 4 to 5 प्रोसेस बताऊंगा लेकिन मैं आपको और भी दिखता हूँ और जितना प्रोसेस हो पाता है तो मैं आपको और भी प्रोसेसेस बताता हूँ। तो मैं आप यहाँ पे आपको सिक्स नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि सिक्स नंबर प्रोसेस में करना क्या है। तो मैं अब इसे क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में जाता हूँ और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है। तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना यह है कि आपको इस ओपन रजिस्टर सिस्टम पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रिस्टोर से रिलेटेड इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज को रिस्टोर करना है। और रिस्टोर जैसे मान के चलिए कि अगर आपको नहीं मालूम कि रिस्टोर करने से क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो कुछ दिन पीछे चला जाएगा। मैंने कुछ दिन पीछे चला जाएगा, जैसे मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल जो ये प्रॉब्लम है विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मान के चलिए आज आया है और यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे, मैंने कुछ दिन पीछे करोगे कुछ दिन पीछे और जैसे मान के चलिए यस्टरडे में आप अपने सिस्टम को भेजोगे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
जैसे मान के चलिए यहाँ पे आज जो डेट है, यहाँ पे डेट 28/01/2023 यहाँ पे शो हो रहा है, और मान के चलिए आप एक दो दिन पीछे आप अपने सिस्टम को भेजते हो और एक दो दिन पीछे जैसा भी था आपका जो विंडोज एज इट इज वैसा ही हो जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पे पहले तो बैक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इसे चूज कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं इसे चेक मार्क कर लिया हूँ, अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल दो डेट यहाँ पे शो हो रहा है, आपके सामने भी डेट वगैरह आपको यहाँ पे शो होगा, जितना भी डेट आपको शो होने का रहेगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल दो ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है और दोनों डेट सेम ही है, बट यहाँ पे टाइम का यहाँ पे डिफरेंस है। तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली जो भी आपको डेट सही लगता है तो आपको उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आज का जो डेट है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 28/01/2023 है और यहाँ पे 24/01/2023 है, तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो एटलीस्ट 3 to 4 डे पीछे चला जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है, उस डेट को सेलेक्ट करने के बाद और आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने सी ड्राइव का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसी ड्राइव ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे इसे फिनिश करना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं किन्हीं लोगों का 15 मिनट का टाइम लग जाता है, किन्हीं किन्हीं लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं किन्हीं लोगों का 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है और कम्प्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर होने देना है, मैंने वेट करना है। अगर बाय द वे आपके सिस्टम में चार्ज नहीं है, मैंने आपके लैपटॉप में चार्ज नहीं है, तो आपको चार्ज से पहले कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप को, फिर जाकर आपको इस रीस्टोर वाले प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर रिस्टोर होने के बाद जो ये आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको 7 नंबर प्रोसेस भी बता देता हूँ कि 7 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 7 नंबर प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करके सर्च करना है CMD। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करके सर्च करता हूँ CMD, और आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से अपने CMD को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो मेरे यहाँ पे CMD है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपको एक कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ 7 नंबर प्रोसेस, ये प्रोसेस मुझे पहले ही बताना चाहिए था आपको रीस्टोर करना, अगर रीस्टोर प्रोसेस जो मैं बताया हूँ उस प्रोसेस से पहले ही मुझे बताना चाहिए था। अगर बाय द वे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये कमेंट वाला जो आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा पहले तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। अगर बाय द वे इस प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आप जाकर रीस्टोर वाले प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये 7 नंबर वाला भी प्रोसेस बता देता हूं कि 7 नंबर वाले प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको यहां पे एक कमांड टाइप करना है SFC /scan now। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको जो सिस्टम यहाँ पे जो विंडोज है वो आपका रिपेयर होने लगेगा और जिस भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर देगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है इस कमांड पे यहाँ पे टाइप कर, और यहाँ पे जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ये प्रोसेस है, जो वेरिफिकेशन है और जो रिपेयर वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 1% यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जैसे आप यहाँ देखोगे 2% भी हो गया है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, यहाँ पे हो सकता है आपको 10 to 15 मिनट का टाइम लगे इसे कंप्लीट होने में, तो आपको इसे कंप्लीट मैंने कर लेना है। और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद और आपके सामने सक्सेसफुली का आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले शो हो जाएगा सक्सेसफुली रिपेयर का, आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाएगा। और शो होने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे बाय द वे मान के चलिए ये मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के बाद आपको इसे सिंपली क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ये प्रॉब्लम था विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका 7 प्रोसेस से भी 7 नंबर जो ये प्रोसेस मैं बताया हूँ इसे अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं यहाँ पे आपको 8 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 8 नंबर प्रोसेस में करना क्या है, क्योंकि 8 नंबर जो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज के सेटिंग्स में जाना है, तो मैं यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स में चला जाता हूँ। विंडोज के सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रीसेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं रीसेट टाइप किया हूँ, और रीसेट टाइप करने के बाद और आपको यहाँ पे रीसेट दिस PC का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको
रिसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पे उसके राइट साइड की ओर देखोगे यहाँ पे आपको रिसेट पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को, अपने विंडोज को रिसेट करना है। तो आप यहाँ पे रिसेट पीसी पे क्लिक कर आप अपने विंडोज को कंप्लीटली रिसेट कर सकते हैं। और मैं रिसेट करने के रिगार्डिंग और भी मैं वीडियो बनाया हूँ विंडोज 11 का रिसेट करने के रिगार्डिंग, मैं वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिसेट करने के लिए मैं बताया हूँ उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर वो रिसेट वाला वीडियो आप देख सकते हैं और यहाँ पे अपने विंडोज को रिसेट कंप्लीटली कर सकते हैं। और मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पे भी क्लिक कर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।